हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सबकी मेन्स की, की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बिकॉज अब लाइन से सिर्फ मेन्स ही बचे हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा भी हुआ हो आई बी पी एस क्लर्क का अटैम्प्ट के बारे में ना सोच के आई विल सजेस्ट कि अभी आप लोग मेन्स पर फोकस करिए बिकॉज वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकेस आपका प्रॉलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपके पास मेन्स की प्रेप रहेगी और बाय चांस अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आपके पास आगे के लिए मेंस की जो प्रिपरेशन है वो हेल्पफुल ही रहेगी सो एस बी आई पी ओ मेन्स के लिए अब अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दस दिन बचे हैं सिर्फ और रिज़ल्ट आने के बाद वैसे भी ज़्यादा टाइम देता नहीं है कभी एस बी आई तो मेरा कुछ प्रिसाइज प्लान है बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे इतने दिन में बिकॉज़ मेन्स है तो काफ़ी सारी चीज़ों पर एक साथ फोकस करना होता है और एस बी आई पी ओ वैसे भी आई थिंक ज़्यादा ही टफ़ होता है सबसे तो आ, कुछ प्लान है सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ये अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो तो सबसे पहले जो गेम चेंजर है हमारा करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स में मुझे अभी तक तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और क्योंकि लगातार प्रब्लम्स होने की वजह से बीच में मैंने काफ़ी दिन डेली सीए को छोड़ भी दिया था तो उससे मेरा गैप भी हो गया तो करंट अफेयर्स मैं कर रही हूँ अफेयर्स क्लाउड से और अडर ट्वेंटी फोर सेवन से एम सी क्यूज़ कर रही हूँ मैं जो वीकली वाले एम सी क्यूज़ होते हैं तो सबसे पहली चीज़ है करंट अफेयर्स तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है आई डोंट नो एग्ज़ाम में कैसा जाएगा बिकॉज आर आर बी पी ओमेंस में ही इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था देखते हैं एस बी आई में क्या होगा तो ये रही करंट अफेयर्स की बात ये दोनों मेरे सोर्सेज हैं और करंट अफेयर्स मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है और रिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और काफ़ी गैप भी हो गया था मेरा बीच में सो करंट अफेयर्स का मैं अफेयर्स क्लाउड से वीकली कंटेंट वाली पी कर रही हूँ एंड अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के वीकली एम सी क्यूज़ सो दैट दो सोर्सेज रहेंगे थोड़ा रिविज़न अच्छा रहेगा उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं स्टार्ट करी है मतलब एस बी आई पी ओ फिल्मस होने के पहले मैंने uh, कुछ दिन प्रैक्टिस किया था बट क्योंकि आई बी पी एस क्लर्क पी ओ और एस बी आई पी ओ सबके ऑलमोस्ट एक के बाद एक फ्रिल्स थे तो डिस्क्रिप्टिव का भी बीच में गैप हो गया सो so डिस्क्रिप्टिव का मैं आज से स्टार्ट करूँगी एंड आज से लेकर के फर्स्ट ऑफ जान तक मैं डेली डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करूँगी वन एस ए प्लस वन लेटर डेली तो ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव और इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कई जगह पे मिल जाते हैं एंड आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा जिनको नहीं पता है वो गाइडली की साइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वो अपने डेली के क्विज़ेस ला रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के मैंने अभी उसको देना स्टार्ट नहीं किया है तो जब मैं उसको अटेम्प्ट करूँगी तो मैं अपने उसका जो भी स्कोर्स एंड ऑल जो भी होता है वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ तो अब नेक्स्ट आते हैं मेन्स के मॉक पे तो मेन्स के मॉक्स मैं डेली नहीं दे रही हूँ अभी तक मैंने सिर्फ दो मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं और अब मैं या तो एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे मॉक दूंगी बिकॉज़ डेली मेन्स के मॉक देने में दिक्कत हो रही है काफ़ी टाइम लगता है तीन घंटे हो जाते हैं अटैम्प्ट करने में और फिर उसका एनालिसिस करने की वजह से ये करंट अफेयर्स को टाइम नहीं दे पा रही थी मैं सो एवरी सेकेंड या थर्ड डे मैं दूंगी मेन्स के मॉक तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ तीन या चार सेट दूंगी मैं मेन्स के एग्ज़ाम आने तक उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करनी है वो है एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के और कोइज़ आप जितने ज़्यादा कर सकते हो बिकॉज उसी से चीज़ों को रिटेन कर पाओगे सिर्फ पढ़ पढ़ के याद नहीं रहेंगी चीज़ें रिटेन तभी कर पाएंगे जब कोजेज़ एंड एम देंगे उसके बाद जो एक मेरा रूटीन है सेक्शनल मॉक्स का बिकॉज़ करंट अफेयर्स और क्वानस uh, में ऑनेस्टली मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बिकॉज़ Uh, कभी कभी डी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है एंड करंट अफेयर्स का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि कहाँ से क्या आना है सो so, मैं रीज़निंग और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स देती रहती हूँ बिकॉज वो दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग uh, हैं और ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्स का नहीं देती सेक्शनल मॉक भी देती हूँ और कॉन्स में भी अटम्प्ट करती हूँ बट जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं मेरी तो उन पर भी मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा इस टाइम पर तो नेक्स्ट है अब क्रिटिकल रीज़निंग क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि मैंने अपने मॉक्स में एनालाइज़ किया है दैट मेरी काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं क्रिटिकल रीजनिंग में सो क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है तो इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो बिकॉज uh, इसमें ऐसा कुछ सॉल्व आपको नहीं करना आपको रीड करके कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट कॉज इफ़ेक्ट या फिर एजाम्शन जो भी इन्फ्लुन्स है वो सब करना है तो अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो बहुत ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं और इनफैक्ट इसमें कटते भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं बिकॉज गड़बड़ हो जाती है मोस्टली सो so, ये रहेगा मेरा शेड्यूल अभी ये लास्ट के कुछ दिनों के लिए तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें से सारा कुछ मैं अच्छे से कर पाऊँ बिकॉज़ अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एंड एस बी के नाम से वैसे भी थोड़ा पैनिक की सिचुएशन हो जाती है एंड uh, काफ़ी सारी चीज़ें हैं लास्ट के दस दिन में करने के लिए और uh, अभी आई थिंक इस वीक या नेक्स्ट वीक में भी अभी पी का रिज़ल्ट भी आ जाए तो वो भी देखते हैं कैसा रहता है सो so, आप लोग का क्या शेड्यूल है आप लोग क्या फॉलो कर रहे हो एंड जिनका एस बी आई पी ओ मेन्स नहीं है वो आगे के मेन्स पे फोकस करते रहें बिकॉज आई बी पी एस पी ओ एंड आई बी पी एस क्लर्क का भी रिजल्ट आ जाएगा सो so, आपकी पहले से प्रिपरेशन रहेगी तो अच्छा रहेगा सो um, so, ये मेरा प्लान रहेगा लास्ट के कुछ दिन के लिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको प्रॉपरली फॉलो कर पाऊँ एंड देखते हैं मेंस में क्या होता है सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन अपनी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए एंड डू नॉट वरी अबाउट योर रिजल्ट